नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान, और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे मंत्र साधना के, क्या कुछ खास नियम होते हैं, किस महीने में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका विशेष समय क्या है, ग्रह तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, किन चीजों का ध्यान रखें तो रिजल्ट और भी बेहतर आते हैं। चलिए जानते हैं मंत्र साधना के लिए जो महीने हैं कौन से उत्तम माह कहलाए जाते हैं। साधना के लिए कार्तिक का महीना, अश्विन, बैसाख, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन और श्रावण मास बहुत ही उत्तम माना जाता है। उत्तम तिथि क्या है इसके जप के लिए, मंत्र जप के लिए पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, दशमी और त्रयोदशी तिथि जो है वो बहुत उत्तम मानी जाती है। और उत्तम पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है मंत्र के जप के लिए। शुभ दिन होते हैं रविवार, शुक्रवार, बुधवार और गुरुवार। मंत्र साधना जब आपको शुरू करनी हो किसी लक्ष्य के लिए, किसी ध्येय के लिए, तो ये दिन जो है बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। उत्तम नक्षत्र हैं पुनर्वसु, हस्त और तीनों उत्तरा, श्रवण, रेवती, अनुराधा और रोहिणी नक्षत्र मंत्र सिद्धियों के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। मंत्र साधना में आसन और माला क्या होनी चाहिए, माला रुद्राक्ष की हो, जयंती फल हो, तुलसी हो, स्वटिक हो, हाथी दांत हो, लाल मूंगा हो, चंदन या कमल की माला से जाप सिद्ध होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी, केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।